यूपी में राम के बाद श्याम, अयोध्या में राम, सैफई में श्याम, योगी के राम, अखिलेश के श्याम, अखिलेश चले बीजेपी की राह पर, यूपी में मूर्ति पर सियासत हुई तेज, क्या मूर्ति के सहारे चलेगी सरकार, क्या 2019 में राम श्याम होगा चुनावी मुद्दा, राम और कृष्ण के भरोसे चलेगी यूपी की सियासत, सैफई में लगेगी 50 फीट ऊंची कृष्ण प्रतिमा। नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश में 2019 के आम चुनाव को लेकर सियासी जमीन तैयार हो गई है। इस बार का आम चुनाव यूपी में धर्म की लड़ाई बनने जा रहा है। यूपी में होने वाले 2019 लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बड़ी तैयारी चल रही है। सफाई में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर सपा सुप्रीमो यादवों और ओबीसी जातियों को जोड़ने के लिए बीजेपी की तर्ज पर मूर्ति का सहारा ले रहे हैं। सफाई में कांसे की बनी भगवान कृष्ण की 50 फुट ऊंची प्रतिमा इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। रथ का पहिया उठाने वाली मुद्रा में बनी इस प्रतिमा को यादव बहुल इलाके में लगाने का विचार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का था, जिससे यूपी की सियासत को एक नया रंग दिया जा सके। समाजवाद की राह पर चलने वाली समाजवादी पार्टी अब बीजेपी के रास्ते पर चल पड़ी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में करारी हार झेल चुके समाजवादी पार्टी अब बीजेपी के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर चुकी है। जिस तरह बीजेपी राम मंदिर को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है, ठीक उसी तरह अब समाजवादी पार्टी ने भी भगवान कृष्ण के सहारे ही चली है। यूपी में भगवान पर राजनीति, सियासत में राम के बाद कृष्ण, सपा ने खेला नया मूर्ति कार्ड, सैफई में कृष्ण मूर्ति पर सियासत, समाजवाद की राह पर चलने वाली समाजवादी पार्टी अब बीजेपी के रास्ते पर चल पड़ी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में करारी हार झेल चुकी समाजवादी पार्टी अब बीजेपी के नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया है। जिस तरह बीजेपी राम मंदिर को लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने में लगी है, ठीक उसी तरह अब सपा ने भी भगवान कृष्ण की मूर्ति बनवाने का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी हमेशा से ही बीजेपी पर भगवान राम के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाती रही है, लेकिन अब सपा भी उसी के रंग में रंग गई। सैफई में जहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि बीजेपी के भगवान राम के मुकाबले अब भगवान श्री कृष्ण को लाए हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि जल्दी सैफई में भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाने का काम शुरू होगा। उनका कहना है कि ये मूर्ति तांबे की बनी होगी। ये प्रतिमा लगभग 50 फीट ऊंची होगी और इसका वजन लगभग 60 टन होगा। इसके अनावरण कार्यक्रम में विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाने की तैयारी की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि सैफई में हनुमान जी की सबसे बड़ी मूर्ति लगी हुई है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी भी भगवान में कोई भेदभाव नहीं करती है। हम और आप सबकी इच्छा होती है कि हम भी लोग भी दर्शन कर लें, और हम और आप सब चाहते हैं कि रामराज्य हो, पर वो रामराज्य क्या है? क्या एक छोटी सी लड़की के साथ बलात्कार हो जाए ये रामराज्य है, या पुलिस वसूली करे ये रामराज्य है? खुद की इच्छा थी कृष्ण भगवान की इस तरह की एक मूर्ति लगे। और ये महाभारत का दृश्य है, जहाँ पर भीष्म पितामह ने कभी संकल्प लिया था कि पांडवों को लेकर के कुछ उनका संकल्प था,
और युद्ध में केवल एक बार भगवान कृष्ण ने वो युद्ध के लिए तैयार हुए थे, तो ये तो हमारी इच्छा थी। तो अब कल को हम उसमें और भी लगाएंगे, मान लो महाभद्र के पात्र, कल को हम चाहेंगे कि दुर्योधन भी लग जाएं, कम से कम लोग जानें कि दुर्योधन क्या थे, नई पीढ़ी हमारी समझे क्या थे। इस प्रतिमा का निर्माण कार्य सैफई महोत्सव कमेटी द्वारा करवाया जाएगा। इस कमेटी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव अब सीएम योगी की नकल कर रहे हैं। मूर्ति के बहाने ही सही, बीजेपी अब समाजवादी पार्टी की चुटकी ले रही है। भारतीय जनता पार्टी ये राम का नाम लेते थे या मथुरा में कृष्ण का नाम लेते थे या काशी में शिव का नाम लेते थे तो लोग कहते थे राजनीति कर रहे हैं, हम कहते थे आस्था है। अब फर्क ये है, भारतीय जनता पार्टी इसको आस्था मानती है और कांग्रेस और सपा इसको अपना वोट बैंक की सोच मानते हैं। सैफई में इन दिनों इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का तेजी से काम चल रहा है। इस कॉलेज कैंपस में अखिलेश यादव भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगवा रहे हैं। हालांकि अभी मूर्ति को कपड़े से ढक दिया गया है, लेकिन मूर्ति पर सियासत अभी से शुरू हो गई। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी 2019 के आम चुनाव में कृष्ण के सहारे खुद की नैया पार लगाने की कोशिश में लगी हुई है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि आखिर राम और श्याम की मूर्ति से किसे कितना फायदा हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सैफई में समाजवादी पार्टी की भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगाने पर बीजेपी नेता चुटकी ले रहे हैं। बीजेपी नेता का कहना है तो दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। श्री अखिलेश यादव जी इज कमिंग अप विद अ ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ श्री कृष्णा, 50 मीटर हाई स्टैच्यू, एंड योर गवर्नमेंट इज ओनली प्लानिंग, इज इन द प्लानिंग स्टेज ऑफ इरेक्टिंग अ ग्रैंड स्टैच्यू ऑफ श्री राम। How do you see this move of Samajwadi Party president? सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। सत्ता में रह के राम से विलख, राम से विराख। और कहते तो ये भी हैं कि भगवान विष्णु पालनहारा है और विष्णु के भगवान के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों हैं। राम से विराग और कृष्ण से प्रेम, ये व्यक्ति का अपना संबंध हो सकता है। सत्ता में रहने तक भगवान की याद को विस्मरित किया, मैं ये नहीं कहूंगा कि उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़ा। दुष्परिणाम तो जनता के साथ में काम नहीं किया होगा, इसके लिए भी भुगतना पड़ा होगा। लेकिन अब ये बात कटु सत्य है कि दुख में और जब असहाय प्रवृत्ति में मनुष्य होता है तो उसको ईश्वर की याद आती है, और ईश्वर भी जब सच्चे अंतर्मन से कोई सदकर्म करता है तो ईश्वर की कृपा उस पर होती है। लेकिन अवसरवादिकता के आधार पर अगर मनुष्य किसी भी भगवान का स्मरण करता है तो भगवान को धोखा देना संभव थोड़ी है। सो यू आर सेइंग दैट दिस इज जस्ट एन अखिलेश यादव इज एन ऑपर्चुनिस्ट एंड ही इज जस्ट ट्राइंग टू make this statue so that he can compete with your statue of Shri Ram? ना, मैं किसी को अपॉर्चुनिस्ट ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूँ। सभी नेता सम्मानित हैं, और जो नेता भगवान की पूजा करें, गीता पढ़ें या कुरान पढ़ें, रामायण पढ़ें, या कहें अयोध्या में परिंदा पर भी नहीं मार सकता, कार सेवक पे गोली चलाएं या मीठी बोली बोले, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ये उनका अपना विषय है और वो उसको कर सकते हैं। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप राम के लिए कह रहे हैं, भगवान राम के लिए तो बीजेपी को लोग बोलते ही हैं। बीजेपी राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के स्टेचू का विरोध करे तो खबर है, राम का नाम लेने से कौन रोक सकता है। जन्म होता है तो राम जी का नाम, मृत्यु होता है तो लोग राम राम कह के ही विदा करते हैं। कौन छुड़ा सकता है राम के नाम को। और राम जी का ही एक अवतार है भगवान विष्णु का अवतार राम जी, और राम जी का ही एक अवतार कहें विष्णु भगवान का अवतार कृष्ण भगवान जी। तो मैं कहता हूं सद्बुद्धि की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं कुछ लोग। मैं किसी पे कोई
आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं भगवान राम सबको बुद्धि दें। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। के बाद आपका स्वागत है। कभी धर्म की सियासत से खुद को दूर बताने वाली समाजवादी पार्टी अब धर्म की राह पर चल पड़ी है, क्योंकि अब यूपी की सियासत भगवान के सहारे है। कोई राम के नाम पर वोट पाना चाहता है तो कोई कृष्ण के सहारे सियासी नैया पार करना चाहता है। भगवान विष्णु के अवतार राम और श्याम यूपी में अलग अलग हो गए हैं। कभी धर्म की सियासत से खुद को दूर बताने वाली समाजवादी पार्टी अब धर्म की राह पर चल पड़ी है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की सियासत भगवान के सहारे हो चली है। कोई राम के नाम पर वोट पाना चाहता है तो कोई कृष्ण के सहारे सियासी नैया पार करना चाहता है। भगवान विष्णु के अवतार राम और श्याम उत्तर प्रदेश में अलग अलग हो गए हैं। बीजेपी जहाँ राम के नाम पर सियासत करती है, वहीं अब समाजवादी पार्टी कृष्ण के नाम पर चलने जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि अखिलेश यादव भगवान कृष्ण के सहारे योगी को चित्त करना चाहते हैं। हालात आज यूपी में ऐसे हैं कि साल 2019 के आम चुनाव की चौरस पर विजय करने के लिए हर सियासी पार्टी धर्म का पासा फेंक रही है। भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनकर लगभग तैयार है। योजना के अनुसार अखिलेश यादव साल 2019 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं को एकजुट कर इसका अनावरण करेंगे। इस प्रतिमा का निर्माण बेहद ही गोपनीय तरीके से पिछले 6 महीने से किया जा रहा है। प्रतिमा निर्माण के लिए पैसा सैफई महोत्सव कमेटी ने दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी मूर्ति को सियासत के बजाय आस्था से जोड़कर देख रही है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति प्रतिमा 51 फीट की है और इसका वजन करीब 60 टन है। इसके निर्माण कार्य के लिए जापानी स्टेनलेस स्टील और पीतल का प्रयोग किया गया है। ये प्रतिमा उस दृश्य की है जब भगवान कृष्ण को महाभारत के दौरान शस्त्र के तौर पर पहली बार रथ का पहिया उठाया गया था। दरअसल पूरी महाभारत के दौरान सिर्फ एक ही बार श्री कृष्ण ने रथ का पहिया शस्त्र के तौर पर उठाया था। लोकसभा से पहले एक तरह से अखिलेश यादव सभी विपक्षी नेताओं को एकजुट कर ये संदेश देने की कोशिश करेंगे। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव की कृष्ण प्रतिमा लगाने पर स्वागत किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि देर से ही सही, लेकिन समाजवादी पार्टी को भगवान की याद आ गई। जो भी मंदिर या कोई प्रतिष्ठित स्थान बनाता है, हम लोग उसके प्रति सद्भाव रखते हैं। अयोध्या का राम मंदिर हमारी श्रद्धा का मुद्दा है और कानून सम्मत रास्ता के प्रति हमारी पार्टी, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि यूपी में योगी सरकार ने अयोध्या में 100 मीटर ऊंची भगवान राम की मूर्ति लगवाने का प्रस्ताव राज्यपाल राम नाईक को सौंपा है। हालांकि अभी ये परियोजना शुरू नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने अयोध्या के सरयू नदी तट पर 100 फीट ऊंची भगवान राम की एक बड़ी प्रतिमा लगाने की योजना बना रखी है। ये कम से कम सदबुद्धि आई और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगाने की बात उन्होंने सोची, इसके पहले नहीं सोची थी। और मैं तो यह व्यक्तिगत तौर से मानता हूँ कि नकल हमेशा होती है, बराबरी कभी नहीं। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव भी बीजेपी के मुकाबले सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि बनाना चाहते हैं, जिसके लिए उनके ऊपर लगा समुदाय विशेष के हिमायती का ठप्पा हट सके और छिटकी हुई ओबीसी जातियां फिर से उनसे जुड़ सके। यानी यूपी में मूर्ति पर होने वाली सियासत में मकसद साफ है, हर कोई धर्म के सहारे सत्ता हासिल करना चाहता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में धर्म सियासत पर कितना हावी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश में मूर्तियों की सियासत और तेज हो गई है। पहले योगी सरकार ने अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित करने का फैसला किया, वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गांव में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को झटका देने के लिए सफाई में भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाने का फैसला किया। योगी सरकार को अखिलेश का बड़ा झटका। योगी के राम, अखिलेश के श्याम।
अयोध्या से पहले सैफई में कृष्ण मूर्ति। यूपी में मूर्तियों की सियासत और तेज हो गई है। पहले योगी सरकार ने अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित करने का फैसला लिया। वहीं पूर्व सीएम अखिलेश यादव के गांव में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित होने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को झटका देने के लिए सैफई में भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाने का फैसला किया है। समाजवादी पार्टी सैफई में भगवान श्री कृष्ण की 50 टन की मूर्ति स्थापित करेगी। सैफई महोत्सव कमेटी ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कमेटी ने इसके लिए फंड भी एकत्रित कर लिया है। समाजवादी पार्टी की यह पहल योगी सरकार द्वारा अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित करने की योजना पर मास्टर स्ट्रोक साबित होगी। सपा ने इसे 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तैयार करने का लक्ष्य रखा है। ये कृष्णा भगवान जी सर। कृष्णा भगवान जी। किसकी बनी हुई है? किस धातु की बनी हुई है? कॉपर का सर। इसकी कितनी लंबाई और कितनी ऊंचाई है? आप लोग इसमें कितने दिन से काम कर रहे हैं? 3 महीने से। अच्छा, ये कहाँ से आई थी और कब से लग रही है? ये नोएडा से आया था सर। ये यहाँ जो और काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन का, ये क्या बन रहा है यहाँ पर? ये सर पता तो कॉलेज है सर। कॉलेज बन रहा है जी। तो आप लोग यहाँ इस मूर्ति में क्या काम करते हो? यहाँ मतलब भाड़ा वाड़ा का काम करते हैं। मूर्ति में आप कोई काम करते हैं? आप जी मूर्ति लगी हुई है भाड़ा का मतलब बांधते सर। योगी सरकार ने अयोध्या में सरयू नदी के पास भगवान राम की मूर्ति स्थापित करने की योजना बनाई थी। इसकी प्रेजेंटेशन भी गवर्नर राम नाईक को दिखाई गई थी। राज्य के पर्यटन विभाग का कहना है कि इससे अयोध्या में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस प्रोजेक्ट को NGT की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। वहाँ से मंजूरी मिलने के बाद इस पर काम शुरू कर दिया जाएगा। वहीं अब अखिलेश यादव के गांव में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापना से यूपी का सियासी चेहरा बदलने लगा है। हर कोई खुद को भगवान का भक्त बताने में लगा है। ये इंजीनियर कॉलेज है, सैफई में ये बन रहा है। हमारे पूर्व CM अखिलेश यादव जी इसको तैयार करा रहे हैं। ये वही ग्राउंड है, पीछे ये जो मूर्ति है ये श्री कृष्ण भगवान जी की है। ये भी यहाँ सेट की गई है। जब इस कॉलेज की ओपनिंग की जाएगी तब इस मूर्ति को विधिवत हवन पूजन के साथ इसके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वह स्थानीय निवासी BP सिंह का कहना है कि भगवान श्री कृष्ण को नोएडा से मंगवाया गया है। इस मूर्ति का उद्घाटन पूर्व CM अखिलेश यादव के द्वारा किया जाएगा और यह मूर्ति निर्माणाधीन स्कूल कैंपस के अंदर लगी हुई है। हालांकि इस मूर्ति को लेकर अब यूपी में नई सियासी जमीन तैयार करने की कोशिश भी की गई है। सूत्रों की माने तो आने वाले समय में समाजवादी पार्टी भगवान श्री कृष्ण के नाम पर वोट मांगेगी। पीछे बनी हुई ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति 50 फीट ऊंची मूर्ति है। कांसे की बनाई हुई ये मूर्ति इटावा के सैफई जो अखिलेश यादव का गांव है वहां ये मूर्ति बनी हुई है। इस मूर्ति के यहां लगने के बाद राजनीतिक हलचलें बहुत तेज हो गई हैं। 2019 के इलेक्शन को देखते हुए ये समाजवादी पार्टी के सूत्रों का कहना है कि इलेक्शन से पहले इस मूर्ति का विमोचन किया जाएगा और कहीं ना कहीं BJP को टारगेट करते हुए कि उनका जो मुख्य मुद्दा जो रहा है राम मंदिर का वो तो नहीं बना पाए, लेकिन समाजवादी पार्टी श्री कृष्ण के साथ एक राजनीति की नई शुरुआत करती दिखाई पड़ रही है। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, सैफई, इटावा। समाजवादी पार्टी के भगवान कृष्ण प्रेम पर जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता चुटकी ले रहे हैं, वहीं इसका जवाब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि ये विचार बहुत पहले से चला रहा था और बहुत जल्द हम भगवान कृष्ण के साथ साथ दुर्योधन की मूर्ति भी लगाएंगे। हम और आप सबकी इच्छा होती है कि हम भी लोग भी दर्शन कर लें और हम और आप सब चाहते हैं कि रामराज्य हो, पर वो रामराज्य क्या है? क्या एक छोटी सी लड़की के साथ बलात्कार हो जाए ये रामराज्य है, या पुलिस वसूली करे ये रामराज्य है? खुद की इच्छा थी कृष्ण भगवान की इस तरह की एक मूर्ति लगे। और ये महाभारत का दृश्य है जहाँ पर भीष्म पितामह ने कभी संकल्प लिया था कि पांडवों को लेकर के कुछ उनका संकल्प था और युद्ध में केवल एक बार भगवान कृष्ण ने वो युद्ध के लिए तैयार हुए थे। तो ये तो हमारी इच्छा थी। तो अब कल को हम उसमें और भी लगाएंगे, मान लो महापत्र के पात्र,
कल को हम चाहेंगे कि दुर्योधन भी लग जाए, कम से कम लोग जाने कि दुर्योधन क्या थे, नई पीढ़ी हमारी समझे क्या थे। तो आने वाले वक्त में ये आप मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो लड़ाई होगी विचारधारा की, उसमें सेंटर में, केंद्र में भगवान होंगे। एक और भगवान राम होंगे तो दूसरी ओर भगवान कृष्ण होंगे। हमारे खास पेशकश में बस इतना ही।